नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रानी किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़ा। बहुत लोगों का दही बड़ा अंदर से बिल्कुल हार्ड हो जाता है, उतना सॉफ्ट नहीं बन पाता है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे और यहाँ पे हमने उड़द की दाल को भिंगा करके ले लिया है। तो हमने इसको 3-4 घंटे पहले भिंगा दिया था, अच्छे से ये फूल गया है। इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च। इसमें तीखा आप चाहें तो बाद में दही में भी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, पर इस तरह से अगर हरी मिर्च डालकर दही बड़ा बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी बनेगा और चटपटा भी बनेगा। तो ये देखिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और इसका गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। तो इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है, इसको साइड में कर देते हैं। तो सबसे पहले दही तैयार कर लेते हैं। तो दही लिया है हमने 1.5 कप। तो ये फ्रेश ताज़ी दही है, बिल्कुल खट्टी नहीं है। इसमें ये भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देते हैं, इसे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने काला नमक लिया है, तो स्वाद के अनुसार डाल दें। आप इसी टाइम पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले ही हरी मिर्च डाल दी है पेस्ट में। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मिक्स हो गया है, थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आप पानी की जगह थोड़ा सा दूध, गर्म दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी टेस्टी बड़ा बनता है। अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे। और ये देखिए, फेंटने के बाद ज़्यादा हमने पतला इसको नहीं रखा है, गाढ़ा ही है। ये तैयार हो गया है दही। यहाँ पे बैटर भी बिल्कुल रेडी है। इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक और काला नमक ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार दही बड़ा ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसका तरीका यही है जानने का कि पेस्ट हमारा बढ़िया से तैयार हुआ है कि नहीं। तो पानी लेंगे और इस तरह डाल कर देखेंगे तो ये ऊपर तैरने लगेगा। इसका मतलब कि हमारा बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। तो बनाने से पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी सूप होता है। दही बड़ा जब भी बनाएं तो आप एक चुटकी हल्दी इसमें ज़रूर ऐड करें। यहाँ पे हमने पानी रखा है गरम होने के लिए, तो बड़ा सा बर्तन ले लें और इसमें हींग डालकर पानी को अच्छा सा गरम होने दें। उबालना नहीं है, थोड़ा सा गरम कर लेना है। तो साइड में कर देते हैं, उसको गरम होने देते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो दही बड़ा जो है सरसों के तेल में ही काफ़ी टेस्टी लगता है। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक एक बड़ा मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो बड़े छोटे साइज में अपने पसंद से डाल सकते हैं बड़ा। मैं थोड़ा सा छोटा ही बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ क्योंकि फूलेगा फ्रेंड्स तो काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से सीख गया है थोड़ा थोड़ा, तो दूसरी साइड में इस तरह से पलट देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से सीखने देते हैं। तो दोनों तरफ से फ्राई हो जाए, इसके बाद ही हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है, गैस को हमने बंद कर दिया है। यहाँ भी बड़ा देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, इसको बस पानी में इस तरह से बड़ा बनाते जाइए और इसको डालते जाइए। बहुत ही स्पंजी दही बड़ा बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आपने ये तरीके से दही बड़ा नहीं बनाया है तो आप एक बार ज़रूर ये तरीका अपनाएं, आपका भी दही बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होगा। तो इसी तरह सारे बड़े तैयार कर लेते हैं बना करके, और इस तरह से पानी में डाल करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक करके, ताकि जो बड़ा है हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसे बड़ा पानी सूख रहा है। तो ये देखिए, बड़ा काफ़ी अच्छे से फूल गया है और थोड़ा सा पानी हमने निकाल दिया है। और जो एक्स्ट्रा तेल होता है फ्रेंड्स, आपको दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा तेल इसमें बड़े में होता है। तो ये देखिए, इस तरह से गाड़ देंगे। गाड़ने से जो अंदर थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और बड़ा जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसको डायरेक्ट इस तरह से हम दही में डालते जाएंगे और इतना सॉफ्ट और स्पंजी है फ्रेंड्स कि आप एक बार बनाइएगा तो आपको यकीन होगा कि बड़ा कितना सॉफ्ट बनता है। तो इसी तरह से डाल करके सारे बड़े तैयार कर लेंगे। और ये देखिए कितना ढेर सारा तेल पानी में निकल गया है। तो आप ज़रूर इसी तरह से पानी में भिगो करिए बड़ा खाएं, तो काफ़ी हेल्दी होता है।
अब इसको दही में इस तरह से भिगो दें, 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। बड़ा अच्छे से फूल फूल कर तैयार हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है एकदम, और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी होता है। तो आप भी इस तरह से दही बड़ा घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगा। और मैं अलग अलग तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए बड़ा बिल्कुल तैयार हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो आप भी घर पर कोई भी त्यौहार में इस बड़े को ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।